हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि सीएसएस में हम बॉर्डर्स की स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, यानी बॉर्डर्स अलग अलग तरह के बॉर्डर्स हम कैसे बना सकते हैं। सीएसएस का यूज करेंगे हम और अलग अलग तरह के बॉर्डर्स बना करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो हमारा है उसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से न्यू फाइल चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे कि कुछ डॉटेड बॉर्डर बनाएंगे हम, कुछ डैश वाले बॉर्डर बनाएंगे, कुछ सॉलिड बॉर्डर बनाएंगे हम। तो ये अलग अलग तरह के बॉर्डर बना करके देखेंगे कि ये हम कैसे सीएसएस में करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं पी डॉट डॉटेड, ठीक है, तो ये डॉटेड बॉर्डर बनेगा, पी डॉट डॉटेड किया हमने। और यहां पर लिखेंगे हम बॉर्डर, ठीक है, और फिर यहां पर एक हाइफन दीजिए आप और लिखिए स्टाइल, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है, और सेमीकोलन लगाने के बाद यहां पे करेंगे हम डॉटेड, डी ओ डबल टी ई डी, यानी डॉटेड कर दिया हमने और सेमीकोलन लगा करके टर्मिनेट किया और कर्ली ब्रैकेट को किया क्लोज। ओके, तो ये हमारा पहला काम हो गया। अब इसी को मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसको हम उठाएंगे यहां से करेंगे कॉपी। तो ये कॉपी किया हमने और इसी को नीचे लेके आएंगे, इसी के आधार पर अलग अलग सिर्फ हमें नाम थोड़ा सा चेंज करना होगा, सारी चीजें बनती जाएंगी। तो यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पे डैश्ड लिख देंगे, ठीक है, यहां पे लिखा हमने डैश्ड, डी ए एस एच ई डी, डैश्ड बॉर्डर अब हम बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर भी हम लिख देंगे डैश्ड, डी ए एस एच ई डी, तो लिखते हैं डी ए एस एच ई डी, ओके, तो डैश्ड हो गया। अब क्या करना है, अब सॉलिड बॉर्डर बनाएंगे, तो ये हमने अब यहां पर भी ग्रुप लिख देंगे, ठीक है, जी आर डबल ओ वी ई, ओके, तो ग्रुप लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमें, अब हम एक रिज यानी स्ट्रिक्ट हार्ड बॉर्डर बनाएंगे, तो यहां पर लिखूंगा रिज, आर आई डी जी ई, रिज का मतलब होता है कठोर, जो एकदम सॉलिड हो, ठीक है, आर आई डी जी ई, ओके। तो यहां पर एक अलग किस्म का बॉर्डर देखने में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक इनसेट बॉर्डर बनाएंगे, कैसा बॉर्डर बनाएंगे, इनसेट बॉर्डर, तो यहां पे लिखते हैं, कॉपी करता हूं इसको और यहां पे मैं कर देता हूं इनसेट, ओके, तो यहां पे लिखता हूं इनसेट, ओके, और यहां पर भी कर देंगे हम इनसेट, ओके। इसके बाद फिर नीचे आएंगे और यहां पर फिर उसी चीज को कॉपी करेंगे, ठीक है, और इस बार हम क्या करेंगे, आउटलाइन बॉर्डर बनाएंगे, तो यहां पर लिख दूंगा आउटलाइन, ओके, और यहां पर भी आउटलाइन कर सकते हैं आप, ये आउटलाइन कर दिया हमने, ठीक है। इतना करने के बाद फिर नीचे आइए और यहां पर अब कोई बॉर्डर ही नहीं बनाएंगे हम, तो यहां पे जब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी तो कर ही चुके हैं, पेस्ट कर दिया हमने, तो यहां दे देंगे नन, ठीक है, एन ओ एन ई, तो यहां नन कर दिया हमने और यहां पे डॉटेड की जगह यहां पे नन, एन ओ एन ई। इसके बाद फिर नीचे आइए और यहां पे हिडन बॉर्डर बनाएंगे अब, तो यहां पे आपको सिर्फ लिखना रहेगा हिडन, ओके, एच आई डबल डी ई एन, ओके, हिडन कर दिया हमने, यहां पर भी हिडन कर देंगे हम, एच आई डबल डी ई एन, हिडन हो गया। और अब यहां पर नीचे आकर के और लिखेंगे पैराग्राफ मिक्स, ठीक है, तो लिखा हमने पैराग्राफ मिक्स, ठीक है, और अब यहां पे देंगे बॉर्डर स्टाइल, तो ये दे दिया हमने बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल के बीच में एक हाइफन रहेगा यहां पे, ठीक है। अब क्या लिखना है हमें, बॉर्डर स्टाइल के बाद डॉटेड डैश सॉलिड डबल ये सब दे देंगे, ठीक है, डॉटेड, ठीक है, और गैप देंगे डैश्ड, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, और अब स्टाइल टैग को यहां से क्लोज कर देंगे, तो यहां एस टी वाई एल ई स्टाइल टैग को हमने करा क्लोज, और
यहां से इसको क्लोज कर देंगे और स्टाइल टैग को क्लोज करने के बाद अब आपको करना है हेड और हेड को क्लोज, ठीक है, यानी सीएसएस का पोर्शन अब पूरा हुआ। अब हमें क्या करना है, यहां लगाना है बॉडी, ठीक है। अब थोड़ा सा जो एचटीएमएल में आप काम करते हैं, ठीक है, यानी हेडिंग टैग वगैरह बनाने का, तो यहां मैं दे देता हूं H2, ठीक है, और यहां पे क्या लिख देंगे, स्टाइल ऑफ बॉर्डर्स, स्टाइल ऑफ बॉर्डर्स, ओके, ये दे दिया हमने। अब क्या करना है, स्टाइल ऑफ बॉर्डर्स देने के बाद, स्टाइल ऑफ बॉर्डर्स देने के बाद यहां पे H2 को करिए क्लोज, और H2 को क्लोज करने के बाद फिर हमें नीचे पैराग्राफ टैग ले लेना है और पैराग्राफ में हम कुछ लिखना चाहेंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, द सीएसएस डिस्प्लेज द बॉर्डर स्टाइल्स, ठीक है, ये दे दिया हमने, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद क्या करना है, अब फिर यहां पर इसकी क्लासेस बनानी होंगी हमें, तो यहां लिखता हूं पैराग्राफ क्लास, ठीक है, तो क्लास में क्या दे देंगे हम, इज इक्वल टू, पहला है डॉटेड, तो यहां लिख देता हूं डॉटेड, ओके, क्लोज किया। स्टाइल क्या है, चूंकि ये डॉटेड स्टाइल की होगी तो यहां लिख देता हूं डॉटेड, DOTTED, ठीक है, और यहां पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसी का काम है, तो इसको कॉपी किया हमने यहां से, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देते हैं इसी को, 3 times पेस्ट किया, इवन 4 times पेस्ट किया, और ये 5 times पेस्ट कर दिया हमने यहां पे, ओके, तो ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम डैश दे सकते हैं, ठीक है, ये डॉटेड दिया था, यहां पे डैश कर देंगे हम बस, DASHED, तो ये डैश कर दिया हमने, और यहां पर भी हम डैश ही रखेंगे, और अब यहां पे सॉलिड रख देते हैं, ठीक है, यहां पे भी सॉलिड लिख देते हैं, SOLID, तो ये सॉलिड कर दिया हमने। अब क्या दे देंगे, अब डबल दे देते हैं यहां पे, ठीक है, तो यहां पे दे देते हैं DOUBLE, डबल देने के बाद फिर क्या करना है, यहां पे लास्ट में डबल देने के बाद हम ग्रुप दे देंगे, फिर रिज दे देंगे, ऐसे करके देते जाएंगे, ठीक है, GROUBE, और नीचे रिज दे देंगे, ठीक है, यहां पे कर देंगे हम रिज, RIDGE, ओके, और यहां पे भी रिज रखेंगे हम, RIDGE, ओके, तो ये रिच कर दिया हमने। और अब क्या बचा है, रिच के बाद हमारा बचा हुआ है इनसेट, बचा हुआ है आउटलाइन, बचा हुआ है नन, बचा हुआ है हिडन, बचा हुआ है, ये सारी चीजें बची हुई हैं, तो इनसेट, आउटलाइन, नन, हिडन, और क्या बचा हुआ है, और जो पैराग्राफ मिक्स लगाया हमने वो ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये इतना कर लिया हमने। अब हमको आना कहां से है, रिज के बाद से आना है, ठीक है, और यहां इनसेट, तो यहां देख सकते हैं आप, रिज के बाद हमने क्या लगाया, इनसेट लगाया है यहां पे, आप देखिए यहां पे रिज के बाद हमने लगाया इनसेट, तो अब हमें यहां पे इनसेट लिखना है, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इनसेट, इनसेट, ठीक है, और यहां पर भी इनसेट कर देंगे ताकि ये पता चलता रहे कि ये इनसेट है, इनसेट, ओके, और अब क्या बचा हुआ है, रिज हम ले चुके हैं, इनसेट हो चुका, आउटलाइन बचा हुआ है, तो यहां पे हम आउटलाइन दे सकते हैं, तो आउटलाइन, ओके, और फिर यहां पर क्या दे सकते हैं, आउटलाइन देने के बाद, आउटलाइन देने के बाद नीचे हमें देना है नन, ठीक है, तो यहां नन दे देंगे, NONE,
और none देने के बाद क्या देना है, यहाँ पे hidden देना है, तो hidden भी दे देते हैं। HIDDEN, ठीक है। और यहाँ पे hidden देने के बाद फिर यहाँ पे paragraph mix लगाना था हमें, तो चलिए लगा लेते हैं, लिखते हैं paragraph class mix, mixed border कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, mix करके border आएगा, mixed border, ओके। तो ये लिख दिया हमने। अब नीचे जो जो चीजें बची हुई हैं उनको क्लोज करना है, यानी बॉडी और एचटीएमएल को क्लोज करना है सिंपली। तो यहां सबसे पहले बॉडी क्लोज कर दिया हमने, देन एचटीएमएल क्लोज कर दिया, और यहां पे आप देखिए कि अब ये कैसा बन के आएगा हमारे सामने। तो ये हमने लिया css b.html करता हूं और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। आइए देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है, डबल क्लिक किया हमने। जैसे ही डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। हमारा जो पहला प्रोग्राम था